हमने जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी नहीं किए। जैसे आपको याद टेंथ में हम क्या करते थे कि पहले हम सिंपल रीम सॉल्व करना सीखते थे, फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को खुद डेवलप करते थे और सॉल्व भी करते थे, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर करेंगे, ओके बेटा। वी विल नाउ ट्राई टू डू द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ओके। My voice is not clear to you. कहा कि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो दोबारा करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम उनको करेंगे और ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले हम पहले सिंपल एलपीपी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और प्लस वन सी के स्टूडेंट्स भी आज ज्वाइन हुए हैं, तो आप समझोगे कि एलपीपी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अब एलपीपी होता क्या है ये मैं इंट्रो नहीं दूंगी क्योंकि हम लोग उसको कर चुके हैं, तो आप सिर्फ समझोगे कि एलपीपी क्वेश्चंस करते कैसे हैं। इंट्रो आपको मैम जब करवाएंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ओके। लेट अस डू वन क्वेश्चन रिलेटेड विद द एलपीपी। स्टेटमेंट कैसे आती है, ठीक है, वहां पर मैं पहले वो लिखने लगी हूँ। स्टेटमेंट आता है हमारे पास सॉल्व जो है द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, ओके। और व्हाट इज रिटन देयर, मिनिमाइज जो है मेरे पास जेड दैट इज 200x प्लस मेरे पास जो है 500y, ओके, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। ये मेरा पूरा क्वेश्चन है और मैंने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है मैंने आपको कहा था z को भूल जाया करो। आपके पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज में जैसे जो इनइक्वालिटीज दी होती थी आप उसको ग्राफिकली सॉल्व करते थे, बिल्कुल सेम हम वैसे ही करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले टेबल बनाना पड़ता है एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 10 का टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाया, वैल्यूज एक्स वाई, एक्स जीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू 5, वाई जीरो पुट किया एक्स की वैल्यू 10, ओके क्लियर। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, फिर वही x जीरो पुट करो y की वैल्यू 6, y जीरो पुट करो x की वैल्यू 8, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास जो है इसको इनइक्वालिटी को ड्रॉ करेंगे। अब इनइक्वालिटी ड्रॉ करने से पहले जीरो जीरो भी चेक कर ले कि शेड किस तरफ होना है। जब मैंने जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 10 जब मैंने चेकिंग की ओरिजिन की, ठीक है, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, तो शेड टुवर्ड्स अ ओरिजिन, इसका भी चेक कर लें। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 24 ट्रू, शेड टुवर्ड्स अ ओरिजिन, ठीक है। यस रिते मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ओके वेट, ग्रेटर देन फॉल्स आ गए, ओके जी क्लियर बेटा। यहां ग्रेटर देन था, मैंने बाय चांस लेस देन लिख दिया था, ठीक है। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है मैं ड्रॉ करने लगी हूं, मैंने ड्रॉ करके देखिए वाई एक्सिस और मेरे पास जो है ये
x-axis. This is x, this is y, this is origin. मैं वैल्यू देखू तो मैक्सिमम 10 तक है, तो मैं 1 1 1 का डिफरेंस लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके. तो अब ड्रॉ करें, पहला है 0 5, मैंने x 0 और ये 5. नेक्स्ट है 10 0, यहां पर आएगा. अब दोनों को ज्वाइन कर लेते, ये लीजिए ज्वाइन किया मैंने, ये सारा आप लीनियर इनइक्वालिटी में करते थे ओके. तो इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, और इसका किस तरफ करना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी अंदर को शेड नहीं होना, ऊपर को शेड होना. मैंने एरो ऊपर को डाल दिया, ठीक है जी. अब नेक्स्ट मेरे पास जो है ये वाला है 0 6, यानी मेरे पास ये 6 वैल्यू है ओके, और उधर 8. अब इसको कर दे ज्वाइन, मैंने कर दिया. जब मैंने ज्वाइन किया सेकंड लाइन को, ये लीजिए ओके. अब इन्होंने क्या कहा है, ज्वाइन टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी नीचे को. अब मैं नीचे को करूंगी तो मेरी शेडिंग सिर्फ ये रही, ये देखो ये ट्रायंगल, ओके क्लियर बेटा. और आप ये पॉइंट चेक कर लीजिए, आपका ये जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पर 4, ये 3 आएगा ओके, 4, 3 चेक कर लीजिए. आप ग्राफ पे बना रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आएगा 4, 3 ओके क्लियर. अब मुझे ये शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, 4, 3 ये मैंने देख लिया, दिस इज 0, 6 और ये 0, 5 ओके क्लियर बेटा. अब फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, अब एलपीपी का काम शुरू होता है. हम क्या करते हैं फिर यहाँ पर एलपीपी में, व्हाट वी हैव टू डू, हम फिजिबल रीजन के पॉइंट्स जो भी मेरे पास हैं उन पे जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ओके. अगर जेड की वैल्यू मेरी वहां पर जो भी हमने निकालनी है मैक्सिमम या मिनिमम उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेते हैं. तो मेरे पास जो है यहाँ पर मैं टेबल बनाने लगी हूँ, लेट अस ड्रॉ द टेबल. सीरियल नंबर, पॉइंट्स, ये एलपीपी का काम है ओके. और जेड देन नेचर ओके, 3 सीरियल नंबर्स हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 कॉर्नर पॉइंट्स ओके. अब पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, 4, 3 0, 6 0, 5 ओके. अब जेड मेरे पास हो गए, पॉइंट पुट कीजिए, जेड पे ही पुट करते हैं ना. जेड आपके पास है 200x + 500y, पुट कीजिए, एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे 3. जब मैंने पुट किया 800 + 1500 कितना आ गया, 2300. फिर ये पुट किया तो ये बन गया 3000, ठीक है. ये पुट किया तो 25000. अब उन्होंने क्या करने को कहा था, मिनिमाइज, सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा इस पे ही आया, तो ये मिनिमम वैल्यू. तो एट द एंड क्या लिखोगे, Z विल बी मिनिमम एट पॉइंट 4, 3 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 2300. बस बेटा क्लियर, सबको क्लियर है.
ओके चलो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं पीडीएफ बना के मेरे पास कंप्लीट एक्सरसाइज की पिक्चर होगी, उसमें अनबाउंडेड भी होंगे बाउंडेड भी होंगे। अनबाउंडेड मैं बता दूंगी कौन से है, वो मत करना, बाउंडेड वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। लेट अस डू द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एक पिक्चर आपको भेजती हूँ स्टेटमेंट क्वेश्चंस कि हमें कन्वर्ट करने आने चाहिए, ग्रुप में भेज रही हूँ, आप साथ साथ पढ़ोगे तो आपके लिए इजी होगा, तभी आपको समझ आएगा बेटा, ओके। ओनली देन यू आर एबल टू डू, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट अस सेंड यू वन क्वेश्चन। ठीक है, रीड करना तो यू विल कम टू नो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ना अलग अलग एलपीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डाइट प्रॉब्लम होती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अब कोई डाइट प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो डाइट प्रोडक्ट में मैंने किसी में कैल्शियम डालना है, किसी में आयरन डालना है, किसी में कुछ 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 क्वांटिटी डालनी है। तो वो ये कि मैं कितनी क्वांटिटी किसमें डालूं कि जो दो प्रोडक्ट है वो मुझे मैक्सिमम बने। मैंने दो तरह के केक्स बनाने हैं, मैं क्या चाहती हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बने, कोई वेस्टेज ना हो, और मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं मटेरियल को यूज करूँ। तो ऐसे ही हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक जगह से, एक प्लेस से मैंने डिफरेंट जगहों पे सामान भेजना है, मैं कितनी क्वांटिटी कहाँ कहाँ भेजूँ कि मुझे, या कहाँ कहाँ से बाय करूँ कि मुझे कॉस्ट जो है अपने प्रोडक्ट की मिनिमम में, ओके या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो मिनिमाइज हो जाए, वो हम सारा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में करते हैं। तो लेट अस डू फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, ओके हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए बेटा रीड दैट स्टेटमेंट, मैं रीड कर रही हूँ उसको, आप सुनोगे, मैं टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगी। मेरी पहली प्रॉब्लम है डाइट प्रॉब्लम, मतलब डाइट के साथ रिलेटेड होगी। What they are writing, a dietitian wishes to mix two types of food in such a way that vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A. That means यहाँ कोई विटामिन की बात हो रही है। पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। उसने कहा कि उसने जो प्रोडक्ट बनाना है ना, दो टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं जिसमें विटामिन ए को कम से कम 8 यूनिट यूज करने ही करने, मतलब ज्यादा भी कर सकते हैं। और उसने क्या कहा है, 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, और कम से कम 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी उसने यूज करने। फूड वन कंटेन 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। अब फूड वन में उसने विटामिन ए विटामिन सी की क्वांटिटी बता दी, और फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी, और फूड टू की भी उसने बता दी, ठीक है। तो अब उसने कहा इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज द फूड वन। वो कहते हैं जो भी फूड वन मैंने टाइप का बनाना है मिक्सचर, वो मुझे ₹50 कॉस्ट पड़ता है, और जो सेकंड फूड टाइप है वो मुझे ₹70 कॉस्ट करता है। फॉर्मुलेट एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ईच मिक्सचर। वो कहता है कि एलपीपी बताओ, डेवलप करो और बताओ कि दोनों तरह के फूड जो हैं हम कितने बनाएं कि हमें मिनिमाइज कॉस्ट पड़े, ठीक है। अभी मैंने स्टेटमेंट आपको सिर्फ पढ़ के बताई, अब देखो मैंने इसको कैसे कन्वर्ट कैसे करना है। मेरे पास 100% जो है यहाँ पर दो तरह का डाटा है, ओके। फर्स्ट मेरे पास फूड वन है, ये देखिए, और फूड टू जो मिक्सचर बना है, ठीक है। और दोनों में विटामिन ए एंड विटामिन सी मैंने लिख दिया, वी ए विटामिन, विटामिन ए, और वी सी मीन्स विटामिन सी। और मुझे उसने रिक्वायरमेंट दी है, मेरी एक कंडीशन दे दी उसने
क्या रिक्वायरमेंट दी है कि कम से कम विटामिन ए जो है ना एटलीस्ट 8 यूनिट, मैंने बोला था ना, और विटामिन सी कम से कम 10 यूनिट यूज करना ही करना है, इससे ज्यादा भी कर सकते। ओके, अब मैं स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने लगी, ध्यान से सुनना। विटामिन अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। फूड वन कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। और क्या दिया हुआ है, फूड टू कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी। देखो सारा मैंने डाटा को टेबल फॉर्म में लिख दिया। अब उन्होंने मुझे क्या कहा है, इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज। ये मुझे कॉस्ट का कॉलम दिया है, ₹50, सब कुछ पर केजी में हो रहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं लिख रही, ठीक है। और इधर मुझे ₹70 जो है पर केजी उसने, अब उसने एंड में क्या लिखा है, मिनिमाइज द कॉस्ट। मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है कि मैं कितने कितनी फूड वन बनाऊं, फूड टू बनाऊं, कि मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो और मेरी सारी जो है कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब यहां खुद ही जेड देखना होता है, खुद की कॉन्स्टेंट देखनी होती। अब मेरा जेड क्या है, आपको पता है, जिसको ऑप्टिमाइज करना होता है, ऑप्टिमम करना होता है। ऑप्टिमम क्या करना है, मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज करना, जितने फूड वन और जितने फूड टू लेते हैं उसकी कॉस्ट को। तो सबसे पहला काम है, लेट नंबर ऑफ नंबर लेते हैं, या हमारे पास जो है, क्योंकि केजी में बात हो रही थी ना, तो हम क्या करें, व्हाट वी विल डू, हम कहते हैं लेट एक्स केजी ऑफ फूड जो है वन एंड वाई केजी ऑफ फूड टू बी रिक्वायर्ड। हमने ये लिख लिया, हमने इतना ही लेना है। अभी एक्स वाई हमने निकालना है ताकि मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो और मेरी ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब सबसे पहला होता है जेड लिखना, अगर ये 1 केजी की कॉस्ट है तो एक्स केजी की कितनी होगी, 50x 70y, काम खत्म, मेरा जेड बन गया। बट यहां लिखना है मिनिमाइज, इसको मैंने मिनिमम कर। ओके, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स को हमने क्या करना है, लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो, मुझे किस तरफ टोटल डाटा दिया, मुझे विटामिन ए का टोटल दिया कि कम से कम 8। अगर एक एक्स में फूड वन बना रही हूं तो उसमें 2x लगेगा विटामिन ए, और मैं वाई केजी फूड टू बना रही हूं तो 1 × y ये लगेगा, तो यानी मेरे पास 2x + y, बट कम से कम 8 ना, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अभी मैं सिर्फ आपको कन्वर्ट करना बता रही हूं कि मैंने स्टेटमेंट कैसी बना ली, ये बात सबको समझ आई, सिर्फ कन्वर्ट करना बता रही हूं कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, चाहे वो अनबाउंडेड ही हो बाद में, हमें वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरी क्या होगी, एक्स प्लस 2y, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट होता तो लेस देन इक्वल टू, कोई ना कोई कंडीशन आपको जरूर दी हो। देखो अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमें डायरेक्टली दिया होता था, और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो आती ही आती है, क्योंकि एक्स और वाई यूनिट्स हैं हमारे पास केजी की, इतने केजी, वो कभी नेगेटिव थोड़ा हो सकते हैं। अब आगे तो आपको करना आता है कि नहीं आता, सिर्फ स्टेटमेंट को मैंने उसमें चेंज किया। ओके, बात समझ आई सबको।
क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक है, आएंगे हमारे पास बाउंडेड वाले, ठीक है, बट करने हमने मतलब फॉर्म चेंज हमें करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगी। अब स्टेटमेंट आपको बनानी आती है, आई नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास जो है, मैं आपको एक सेंड और करने लगी हूँ, एलोकेशन प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम। ठीक है, सी दैट क्वेश्चन, और मैं बोलूंगी भी फिगर को। ठीक है, हमारे पास जो है, हाँ जी, ग्रुप में पहुंच की होगी एलोकेशन प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम, लेट अस रीड इट। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू बी ग्रोन फॉर टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई। मेरे पास दो तरह की क्रॉप्स है, चलो साथ साथ बनाते हैं फिर प्रॉब्लम नहीं आती। टेबल बना होगा ना तो आपको वो बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके, क्लियर, स्टेटमेंट बनानी हमने सीखनी। तो मेरे पास जो है दो तरह की, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है क्रॉप्स हमने बनानी है, तो क्रॉप्स बनानी है तो मैंने यहां लिख लिया एक्स वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्स वाई इधर लिख दो या इधर लिख दो, जिस तरफ टोटल दिया होगा उस तरफ लिख देंगे और वो कॉन्स्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी जेड में रह जाएगी, डजंट मैटर। ये हम एक रफ सा टेबल बनाते हैं फॉर आर सेक। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या कहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर, उसके पास 50 हेक्टेयर लैंड है। सबसे पहले तो उसने कहा कि उसके पास 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, मेरा पहला जो उसने मुझे दिया हुआ। ठीक है, और टू ग्रो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट फ्रॉम ईच क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर एस्टिमेटेड टू बी जो है 10,500 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। यानी सबसे पहले मेरी बात की गई यहाँ प्रॉफिट की, तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिखती हूँ कि मुझे प्रॉफिट दिया गया पहली लैंड के लिए जो है 10,500 और अगले में दिया है 900, ये पर हेक्टेयर ही हमें दिया हुआ है। ओके बेटा, ये पहला दे दिया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया मेरे पास, टू कंट्रोल वीट्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई एट ए रेट ऑफ रुपीज 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। ऑब्वियस है, क्रॉप्स पे हमारी खराब ना हो, उन पे कोई कीड़ा ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छी तरह डेवलप हो, तो हम पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स ये सब यूज करते हैं। तो उसने पहले बताया कि हम एक लिक्विड हर्बिसाइड यूज करते हैं, तो मैं यहाँ लिखती हूँ हर्बिसाइड और कितना कितना यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि 20 लीटर और 10 लीटर पर हेक्टेयर। ओके बेटा, ये उन्होंने मुझे कहा। नाउ व्हाट इज रिटन नेक्स्ट, फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड जो है वाइल्ड लाइफ। उन्होंने कहा कि हम 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हर्बिसाइड। व्हाट डज इट मींस, ये जो यूसेज है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 800, ग्रेटर देन नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते तो हमने 800 से लेस, क्योंकि अगर इससे ज्यादा यूज करते हैं तो पानी जब क्रॉप से जाके पॉन्ड्स में रिवर्स में जाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स खराब होंगे, हमारा एक्वेटिक लाइफ खराब होगी, एनिमल्स खराब होंगे, मर जाएंगे इसी। ओके, तो नाउ व्हाट दे हैव रिटन नेक्स्ट बेटा, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप, हम दोनों क्रॉप्स को कितनी कितनी लैंड दें, सो दैट टोटल प्रॉफिट ऑफ द, मेरे पास जो है टोटल प्रॉफिट जो है फॉर द सोसाइटी मेरे पास आए, पूरी सोसाइटी जो हमारे पास जो सोसाइटी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है उसको कितना प्रॉफिट है, हमें ये दिया है सबसे बड़ी बात।
ठीक है। अब बेटा क्लियर कट है मेरे पास हो गए कि मैंने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो यहां से मैं जेड ढूंढूंगी। ओके, अब जेड तो मैंने ढूंढ लिया है ना, उसको मैं लिख लेती हूँ। मान लेती हूँ कि एक्स हेक्टेयर मैं पहली क्रॉप को देती हूँ और वाई हेक्टेयर मैं दूसरी क्रॉप को देती हूँ। तो अब मेरे पास यहां पर बेटा कितना हो जाएगा, जेड मैक्सिमाइज दैट इज इक्वल्स टू 10500x + 9000y। ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा लिखना जरूर होता है कि लेट x हेक्टेयर बी अलॉटेड टू x क्रॉप एंड y हेक्टेयर बी अलॉटेड टू y क्रॉप। ओके, नाउ सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स देखें, हमें यहां पता है इसको 20 लीटर इसको 10 लीटर। पहली तो क्लियर कट पता चल गई, ये लीजिए लेस देन इक्वल टू 800। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स भी आनी आनी, कुछ और रहता है हमारा, 50 हेक्टेयर तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। अब अगर मेरे पास एक लैंड 50 हेक्टेयर है, मैंने दो क्रॉप्स लगाने हैं, तो मैं लैंड 50 हेक्टेयर से कम यूज कर सकती हूं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकती ना, तो ये मेरी एक कंडीशन होगी ना। तो यहां पर एक और आ जाएगी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, कि दोनों क्रॉप्स को जितनी लैंड दी है वो 50 हेक्टेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, उससे कम रह सकती। ये मेरा z हो गया और ये मेरा क्या हो गया, कॉन्स्ट्रेंट्स हो गया, क्वेश्चन खत्म। और बहुत इजी होता है इनको करना, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डी टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट क्वेश्चन इनटू दिस। सबको बात समझ आई हमने क्या किया क्या नहीं किया। ओके विनय, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, 100%। चलो एक और क्वेश्चन करें, ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आगे कंप्लीट इसको आपने खुद करना है। हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल रही हूँ, ठीक है, लेट अस सी। फिर मैं एक ही पीडीएफ में सारे आपको भेजूंगी। ओके, चलिए रीड इट केयरफुल। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में, तो दे राइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी जो है ऑफ ए प्रोडक्ट। अब बेटा ए एंड बी ऑफ द प्रोडक्ट मतलब दो तरह के प्रोडक्ट उसने बनाने हैं। और आपको मैं बता दूं एलपीपी में हम हमेशा लेते ही दो टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, दो से ज्यादा नहीं लेते हैं, नहीं तो वो तो फिर सिलेक्शन करनी सबको लालच पड़ जाता है ना। तो एलपीपी में फॉर योर लेवल वी टुक ओनली टू टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमने बनाने हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब ईच पीस ऑफ द मॉडल ए रिक्वायर्स जो है 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 जो है लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। हर प्रोडक्ट को दो तरह से देखना है, एक जो है फैब्रिकेटिंग के लिए, ठीक है, और दूसरा फिनिशिंग के कितनी लेबर आग लगती है। तो उसने यहाँ पर दे दिया है कि मॉडल ए टाइप के कपड़े के लिए 9 जो है लेबर आर्स लगते हैं और 1 लेबर आर फॉर फिनिशिंग, एंड ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 जो है लेबर आर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आर फॉर फिनिशिंग, ठीक है। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। अब उसने दे दिया कि फैब्रिकेटिंग के लिए
मैं कितने लेबर आवर्स यूज कर सकती हूँ, दे जस्ट राइट 180 और मेरे पास जो है इसके दे राइट 30 रिस्पेक्टिवली, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल। ओके बेटा, अब उन्होंने क्या कहा है, अ कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ई। अब कंपनी ने जो है प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट की बात हो रही है तो हम एक प्रॉफिट का कॉलम बना लेते हैं, पर उन्होंने लिखा कि 8,000 जो है पर पीस पे प्रॉफिट है और मॉडल ए पे, और 12,000 प्रॉफिट है मॉडल बी पे। हाउ मेनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रेज अ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम, ये उसने पूछा। अब यहाँ तो क्लियर कट बेटा हमें फिगर बनी हुई, अगर मैं ये मानती हूँ कि मॉडल ए वाले एक्स क्वांटिटी बनाती हूँ, मॉडल बी वाली वाई क्वांटिटी बनाती हूँ, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मेरा जेड मैक्सिमम बेटा क्या हो जाएगा, 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई और सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स, क्लियर कट पता चल रहा है, 9x plus 12y less than equal to 180 or x plus 3y less than equal to 30 or x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 convert होगी statement में। ये table बन गया तो tension free, okay? कई बोलते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस डिलीटेड हो गए हैं, बट वो क्लियरली उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए हम करवाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्या फर्क पड़ता है, अपना कन्वर्जन सीखना बाकी तो हमें आता ही है ना बेटा, तो इसीलिए करना ही करना। ओके क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट कल से रिविजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, और क्वेश्चन करेंगे, एलपीपी खत्म, रिवाइज करके अच्छी तरह फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे। Till then, goodbye and take care.